भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। धर्म युद्ध के इस मंच में सियासी झंडा बरदारों के चेहरों को पहचान लीजिए। महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है, हनुमान जी का संबंध है। सत्ता के इन किरदारों के बीच झूलते बागेश्वर सियासी खेल खेल रहे हैं ताकि सत्ता चाहे जिधर जाए बाबा पर उनका आशीर्वाद बना रहे। एक पार्टी को करते हैं जिसका नाम है बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान है मुकदर और उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वैसे बाबा बागेश्वर ने यह दावा तब किया था जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके मंच पर थे, लेकिन अब कांग्रेस के पक्ष में बनते माहौल का रंग देखकर क्या बाबा भी रंग बदल रहे हैं? हमारे मन में आया कि हनुमान जी ने बुलाया है, वही इनके मुख से कहलवा रहे हैं कि अब कथा हो जाए। हमने बिना कोई विचार किए किंतु परंतु सोचे, हमें लगा सिमरिया वाले हनुमान जी ने बुलाया है, वो इस नालायक के मुख से राम कथा सुनना चाहते हैं। बागेश्वर की इसी बयान ने और कमलनाथ के साथ धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरों ने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताकर तंज कसा है। ये सुविधा भोगी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है। नरोत्तम मिश्रा के चुनावी हिंदू करार देने पर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, मैंने हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में बनाया, इनके पेट में दर्द होने लग जा। एमपी में सत्ता के लिए वोटों के ध्रुवीकरण के बिस्ती बिसात में सत्ता और विपक्ष बागेश्वर के दरबार में पड़े हैं। दोनों को उम्मीद है कि सत्ता में आने का रास्ता बागेश्वर दरबार से निकलेगा। तुम्हारे पास अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी क्या है? संकट मोचन। बाबा दुनिया को बताते हैं कि जिसके सिर पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उसका कौन करेगा नाश, लेकिन सच तो ये है कि बाबा खुद सत्ता के गलियारों में आशीर्वाद पाने को भटक रहे हैं। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉच न्यूज़।